तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यामाहा की तरफ से आने वाली लेटेस्ट 2024 मॉडल यामाहा रेजेडार 125 स्ट्रीट रैली। ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ब्लैक और गोल्डन कॉम्बिनेशन में है ये, और लेटेस्ट कलर है ये। इसके ऊपर एक और कलर आता है इसका ऑलरेडी, जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हो चुका है, लेकिन ये कलर जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जिसमें कि मैट ब्लैक और जो है ग्लॉसी ब्लैक और साथ साथ जो है गोल्डन कलर में जो है इसको ग्राफिक में इंक्लूड किया गया है। तो आज हम बात कर लेते हैं स्कूटी के बारे में कि क्यों ये इस समय जो है इतनी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बनी हुई है इंडियन मार्केट के अंदर। दो तीन चीज़ें आप ऑलरेडी कई सारी वीडियोस में देख चुके होंगे यदि आप स्कूटी के बारे में जो है सर्च कर रहे हैं, तो जैसे कि इसका लुक है, डिज़ाइन है, इंजन रिफाइनमेंट है, वो सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी। और मेनली इस स्कूटी का सबसे ज़्यादा बिकने का कारण ही यही है, एक तो इसका जो इसका इंजन है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा माइलेज देता है आपको इस सेगमेंट के अंदर 125 सीसी में, और पिकअप भी बहुत अच्छा है इसका। तो ये एक इसकी खास बात है जो इसे जो है बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाती है इस सेगमेंट में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लें इसके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं इसका फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, हैंडल गार्ड जो आपका दे रखा है, और इसमें जो है यहाँ पे एलईडी लैंप दे रखा है इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका लाइट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ग्लो करती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और उसके अलावा जो है नीचे मैट ब्लैक में दे रखा है आपको फ्रंट पोर्शन, ये इसमें जो है आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है। सामने की तरफ जो है एलईडी जो है हेडलाइट मिल जाती है आपको, यही DRL का काम भी करती है, जिसमें कि आप जो है जैसे आप इसे ऑन करेंगे तब उसमें चल जाएगा। बाकी बेस वेरिएंट से अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस की बात करूं तो आप इसमें देख सकते हैं साइड में जो है यहाँ पे स्टील प्लेट्स दे रखी हैं, इसमें एल्युमिनियम प्लेट्स कह सकते हैं, मेटल प्लेट कह लीजिए, ये आपको मिल जाती है इसके टॉप वेरियंट में, जो कि आपका स्ट्रीट रैली है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, बाकी अदर में ये बेस में नहीं मिलेगा। और इसके दो तीन वेरियंट आते हैं दोस्तों, एक आता है सिंगल जो है ड्रम ब्रेक के साथ आता है फ्रंट में, एक आपका जो है फ्रंट में ही जो है आपका डिस्क ब्रेक के साथ आता है, और तीसरा जो है ये है स्ट्रीट रैली मॉडल जो कि टॉप मॉडल है इसका। और इसमें भी दो तीन कलर ऑप्शन आपको जो है देखने को मिल जाते हैं, तो जिसमें कि ये कलर जो है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त दिखाई देता है। तो हमने भी अपने लिए परचेज़ किया है ये, हालांकि ये बेटियों की डिमांड थी तो उनकी डिमांड पर जो है ये परचेज़ करी गई है स्कूटी, और काफ़ी सारे फीचर्स के साथ लोडेड है ये। तो कुछ कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं इसमें, जैसे कि इसमें दो तीन चीज़ें आती हैं। अगर मैं आपको बात करूं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो इसका देखने को मिलता है, आप ये देख सकते हैं इसमें, इसमें जो है आपको डिजिटली आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो है इसमें अगर मैं बात करूं फ्रंट में, तो यहाँ पे जो है आपको हाई और लो का मिलता है, इसी में आपको पासिंग स्विच भी मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए। इसके अलावा इंडिकेटर्स वगैरह, नॉर्मल आपको हॉर्न वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन फीचर दिया गया है दोस्तों, ये आप जो देख सकते हैं यहाँ पे, इस जगह पे जो एक फ़ीचर मिल जाता है आपको जो कि हाइब्रिड का फीचर है। इसका बेनिफिट जो आपको मिलता है वो माइलेज में मिलता है, वो ये कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में जा रहे हैं और जो है 8-9 मिनट बाद जब थोड़ा सा इंजन हीट हो जाता है, कह लीजिए, या गर्म हो जाता है, तो उस जगह पे अगर आपने गाड़ी कहीं पे रोकी है रेड लाइट वगैरह पे या रेलवे क्रॉसिंग वगैरह पे, तो वहाँ पे जैसे आप इसे रोकेंगे तो विद इन 30 सेकेंड से भी कम में जो है, अगर ये अगर आपकी चल रही है तो 3-4 सेकेंड में ये बंद हो जाता है। तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि जब आप ज़्यादा देर तक वहाँ पर खड़े रहते हैं तो वहाँ पर जो है आपका पेट्रोल की बचत हो जाती है, तो इस वजह से जो है ये आपको माइलेज ज़्यादा देती है यहाँ पर। और इसके अलावा बात कर लें इसका जो है साइड स्टैंड कट ऑफ, वो आपको मोस्टली सभी में देखने को मिलता है, और इसमें जो है ग्राउंड क्लियरेंस जो है 145 का दिया हुआ है, और जो कि सेगमेंट में लोग कहते हैं कम है, लेकिन जो मैंने चला करके देखा है बहुत इजी है, बहुत कोई दिक्कत नहीं होती है। कहीं भी आप उबड़ खाबड़ रस्तों में जा रहे हो, ऑफ रोडिंग वगैरह भी कर रहे हो, तो भी आपको किसी तरीके से दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इसके अलावा अगर मैं बैठने की बात करूँ तो मेरी हाइट जो है 5'10" 5'11" के करीब है, और आप देख सकते हैं अगर मैं फ्रंट को भी होकर बैठता हूँ तो भी उस केस में आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके से जो है मेरे पैर आगे नहीं टच होते हैं इसमें, यानी कि स्पेस अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा है इतने आगे बैठने के बावजूद भी। तो अगर सिंगल व्यक्ति चला रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पिलियन के साथ अगर आप राइड कर रहे हैं तो भी आपको कोई इश्यू किसी तरीके का नहीं आने वाला है। हालाँकि जो इसके साइड मिरर दिए गए हैं, रियर व्यू मिरर दिए गए हैं, ये कहीं कहीं पर थोड़ा सा दिक्कत लगते हैं, हम हाइट की वजह से कह लीजिए या कोई और रीज़न से बहुत ज़्यादा पास लगते हैं, तो इन्हें एडजस्टमेंट थोड़ा सा कहीं कहीं लगता है, दिक्कत है। बाकी इसके अलावा एक इशू की अगर बात करूँ इसमें, तो थोड़ा जो आगे इसके गार्ड दिए हुए हैं ये कहीं कहीं पे वाइब्रेशन में आपको दिक्कत दिख सकती है कि थोड़ा वाइब्रेट करते हैं, हालांकि कोई नॉइज़ नहीं आती इससे, ये आपको वाइब्रेट होते हुए दिखते हैं बस।
नॉइस अभी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हो सकता है स्कूटी नहीं है इस वजह से भी, लेकिन वैसे ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, इस हिसाब से बढ़िया है यहाँ पे। और इसके अलावा और इसके अगर फीचर्स की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हैं, पहले तो इसका मैं आपको बूट स्पेस दिखा दूँ। टैंक में जो इसका बूट स्पेस आपको मिल जाता है वो 21 लीटर का मिल जाता है, यानी कि एक हाफ फेसिंग हेलमेट या एक छोटा हेलमेट जो है आप। इसके अलावा जो है E20 फील को सपोर्ट करता है ये आपका, तो ये भी इसमें बेनिफिट है। इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें आपको मिल जाती है फ़ोन के लिए, तो आप फ़ोन में जो है अपना डिस्टेंस वगैरह सारी चीज़ें जो है इसमें आप देख सकते हैं, पार्किंग कहाँ पे कर रखी है वो चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक दो एसेसरीज इसमें आपको मिल जाती हैं, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, तो ये चीज़ें जो है इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। सीट कुशनिंग की बात करूँ दोस्तों तो ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं कह सकते, ठीक है। अगर बैक साइड में बात करूँ तो सिंगल शॉकर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, सिंगल सस्पेंशन यहाँ पे मिलता है, जैसे मोस्टली स्कूटी में आपने ड्यूल देखा होगा या किसी किसी में मोनोशॉक आता है, यहाँ पे आपको सिंगल रियर सस्पेंशन आपको देखने को मिलता है। जब आप इसको अकेले बैठ के चला रहे होते हैं तो उस दौरान आपको कहीं कहीं जर्क वगैरह लग सकता है, और यदि पिलियन राइडर आपके साथ बैठा हुआ है तो फिर इसके कम्फर्ट का मज़ा जो है नेक्स्ट लेवल है। इसके अलावा ये जो एसेसरीज़ है लेडीज़ फुटरेस्ट, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई हुई है। और अगर मैं बात करूँ इस बाइक में तो इस तरीके से किक आपको देखने को मिल जाती है, और इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, शील्डेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यामाहा का भरोसा है, और आप जानते हैं यामाहा जो है इंजन के मामले में बहुत ही ज़्यादा जो है रिफाइंड मिलते हैं इसके इंजन, तो इसलिए आपको यहाँ पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी तरीके से नहीं। तो ये सारी चीज़ें होगी दोस्तों, बाकी इंडिकेटर्स वगैरह जो है नॉर्मल आपका लैंप वाले, सिर्फ आपको जो है हेडलाइट इसमें जो है नए मॉडल जो आए हैं इस साल 24 में उसमें जो है आपको हेडलाइट जो है चेंज कर दी गई है, वो LED हेडलाइट दे दी गई है इसमें आपको। नीचे जो रिम दिए गए हैं वो आपको गोल्डन रिम दिए गए हैं, बैक साइड में जो है कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं दिया गया है, ABS का सपोर्ट नहीं है किसी तरीके का नहीं, सिर्फ जो है नॉर्मल ड्रम ब्रेक आपको बैक साइड में मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, बैक साइड में जो बल्ब मिलता है आपको रिफ्लेक्टर वगैरह, ये भी आप देख सकते हैं, ये भी आपको जो है हैलोजन ही मिलेगा, सिंपल LED में नहीं आ रहा है इस समय। बाकी सारी चीज़ें यही, अगर मैं बात करूँ बॉडी की तो बॉडी आप देख सकते हैं मोस्टली जगहों में फ़ाइबर का इस्तेमाल किया गया है सभी जगहों पर, इवन ये भी जो है आपका हार्ड मेटल प्लास्टिक, वो मेटल जैसा दिखता है लेकिन ये है प्लास्टिक नहीं, तो इसका साइलेंसर के ऊपर गार्ड लगाया गया है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब फाइबर में दी गई हैं, लेकिन जो है क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये बैक साइड में जो है इसका ग्रैब रेल जो है ये आपका मेटल में मिलता है आपको, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लुक देता है आपका, तो ये भी बहुत जानदार लगता है यहाँ पर देखने में। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसका जो ये दिया गया है ब्लू कोर हाइब्रिड, ये दिया गया है इसका इंजन का, जो कि आपका बैटरी से लिंक्ड है, यानी कि जब मैं इसे ऑन करता हूं, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूं इसे ऑन किस तरीके से होती है, ऐसा कि आप दिखाना है इस चीज़ को कि जब मैं सेल्फ दूंगा तो स्कूटी किस तरीके से स्टार्ट लेती है। आपने देखा होगा कि स्कूटी ने बटन दबाने के प्रेस करने के कुछ सेकेंड्स बाद जो है स्कूटी स्टार्ट हुई है, हालाँकि ये जो है बैटरी से ही स्टार्ट ले लेती है, जिससे कि आपका जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो यहाँ पर फिर थोड़ा सा घट जाता है। तो दोस्तों आप इसके ये सारे फीचर्स आप देख चुके हैं, और बाकी इसकी एक बार मैं आपको नॉइस साउंड और सुना देता हूँ कि किस तरीके से साइलेंसर में आपको इसकी आवाज़ सुनने को मिलती है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, हालांकि मैं हाइट मेरी ऊंची है और मैं रेस देके दिखाता हूँ आपको आवाज़ कितनी आती है। तो क्योंकि माइक ऊपर है तो नॉइस लेवल आपको थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा होगा, हालाँकि नॉइस बहुत अच्छी है इसकी, सुनाई देती है और ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस भी नहीं करती है, एक अच्छी स्वीट साउंड है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी ही इसकी लेके आऊँगा कुछ समय बाद, जब थोड़ा सा एक बार चला लूँगा, देख लूँगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी हैं और क्या इसमें बुरी लगी मुझे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, आशा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्कूटी या बाइक के रिलेटेड रिव्यूज़ के लिए आप जो है बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिलती रहे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।